हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक्य। आज हम डिस्कस करेंगे SAR सार, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है, इसको SAR के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है सार। ठीक है, इससे पहले मैंने बहुत से ड्रग्स की वीडियो अपलोड किए हैं, एक बार उसको देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं, तो अगर आपको पहले की टॉपिक जो है क्लियर नहीं रहेगी तो ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। इट इज़ अ बेसिकली डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, एकदम इजी और आसान शब्दों में लिखा है। ठीक है, तो इसको समझाने की और ज़रूरत नहीं है। ओके, द एनालाइज ऑफ SAR इनेबल्स द डिटर्मिनेशन ऑफ द केमिकल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोकिंग अ टारगेट बायोलॉजिकल इफेक्ट इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउ टू मेक मॉडिफिकेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ और द पोटेंशियल ऑफ अ बायोएक्टिव कंपाउंड लाइक ड्रग बाय चेंजिंग इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। ओके, द एनालाइज ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ केमिकल अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी आर कोरिलेट बाय ऑब्जर्विंग द रिजल्ट ऑफ सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ डिफाइंड बायोलॉजिकल एंडपॉइंट। ओके, तो ये एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन था स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में, थियोरी एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से हर बार आते रहते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि SAR का स्टडी क्यों किया जाता है। ठीक है, नीड ऑफ SAR स्टडी। ठीक है, तो कई बार 2 मार्क्स में अगर पूछता है शॉर्ट में, तो आप इसको लिख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, जब आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे ना ऐसे पॉइंट डाल डाल के, तो एग्जामिनर जो होते हैं ना, जब वो क्वेश्चन आंसर शीट वो चेक करेंगे, तो उसको इंटरेस्ट भी आता है कि आपके आंसर शीट में कोई बात है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट रहता है, और अगर आप ऐसे टाइप लिख देंगे तो उसको खुद पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो कोशिश ये करना है कि इसे पॉइंट टू पॉइंट लिखना। ओके, टू डिटरमाइन सेम डिफरेंट एक्टिविटी फ्रॉम एन एक्जिटिंग ड्रग। ठीक है, नीड है इसका। टू फेवर अनवांटेड साइड इफेक्ट टू डेवलप अ न्यू ड्रग दैट हैज इंक्रीज एक्टिविटी। ओके, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन फार्मेकोफोर अनवांटेड साइड इफेक्ट एंड डिटरमाइंस ऑफ द केमिकल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोकिंग अ टारगेट बायोलॉजिकल इफेक्ट इन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये क्या था, एक नीड ऑफ SAR स्टडी। ठीक है, ओके, तो आपके थ्योरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।